हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है आईआईटी एग्जाम के मॉक टेस्ट के अंदर, तो स्कोर को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपना स्कोर 100 तक लेके जा सकते हो। अफकोर्स हमको 100 तक जाने की तो जरूरत नहीं है, बट अगर आपने 70 तक भी स्कोर कर लिया तो भी आपको एक बढ़िया आईआईटी मिल जाएगी। याद रखना है, इस बार कुछ न्यू आईआईटी ऐड हुए हैं आईआईटी एग्जाम बीटी के लिए, तो सीट्स भी बढ़ गई है, तो चांसेस भी हमारे बहुत सारे हैं अभी टू गेट दी आईआईटी। तो जानते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या पॉइंट्स पे आपको अभी भी मेहनत करनी है ताकि आपको अपना अल्टीमेट सक्सेस मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब भी आप एक मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट के बाद में आप अपना खुद का परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दे दिया, स्कोर मिल गया, देन दे लीव द टेस्ट। नो, दिस इज नॉट डन। टेस्ट आपका एग्जाम देने के बाद स्कोर देके खत्म नहीं हो जाता। जब तक आप उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर लोगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप क्या गलतियां कर रहे हो, हर मॉक टेस्ट के बाद देखो नंबर कम आने का रीजन क्या है। क्या आपने MSQs और NAT को सही नहीं सॉल्व किया था? क्या MCQs सॉल्व हमने ज्यादा कर दिए हैं, नेगेटिव में मार्क्स चले गए हैं, नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्यों हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारी पढ़ाई कम पड़ रही है या हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो हमेशा अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। अगर NAT पॉइंटर्स में यहाँ वहां हो रहे हैं तो देखो कि भाई हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। तो याद रखना है, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसके बाद में रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट देखते वक्त में खुद का परफॉर्मेंस को ठीक से एनालाइज करें। कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या गड़बड़ की है, वो सारी बातों को देख के फिर ही आपको आगे बढ़ना है। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। अगर आप IIT जॉइन BT की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरे से ये टॉपिक नहीं हो पा रहा है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपको दिक्कत जा रही है, तो उन पे आप थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लें। आपका वीक पोर्शन क्या है, ओके? क्या आप NAT में कम स्कोर ला रहे हो या आप MSQs में आपको मुश्किल पड़ रही है, तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या है, ये आप लोगों को समझना है। क्योंकि मॉक टेस्ट देने का मतलब ही क्या है अगर आप अपने खुद के बारे में चीजों को एनालाइज ना कर पाओ। तो क्या करना है, देखें कि भाई आप किस टॉपिक में कम स्कोर आता है, किन टॉपिक्स में आप बिल्कुल बेहतर स्कोर कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स को आपने अच्छा प्रिपेयर किया है, कौन से टॉपिक्स में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें, उन पे ज्यादा टाइम दे और उन पे भी एक्सेल करें। याद रखना है, IIT जाम BT में PCM के बिना नहीं आ सकता है रिजल्ट। GATB में शायद पॉसिबल है, GATB में आप निकाल सकते हो, बट IIT जाम के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बिना कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू हैव टू क्रिएट अ स्टडी प्लान। जब आप टेस्ट लगाओ, आपको लगता है कि यार मेरे से ये 2-3 टॉपिक्स मिस हो गए हैं। कैसे मिस हुए, क्योंकि आपने प्लानिंग ठीक से नहीं की थी। प्लानिंग कैसे करोगे, तो सिलेबस को एक बार ड्राफ्ट कर लो, रफली डिवाइड कर लो, देखो आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, अपने लिए एक बैलेंस्ड स्केड्यूल बनाए। क्या मतलब है बैलेंस स्केड्यूल का, तो बैलेंस शेड्यूल का ये मतलब नहीं है कि भाई हम तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे पूरा दिन, PCM को कभी कभी देख लेंगे। नहीं, आपको एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स को भी आप टाइम दे पा रहे हो। हो सकता है बहुत टाइम ना दे पाओ, दैट इज फाइन, बट आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा। स्टडी प्लान कैसे बनाए, इसका भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बना के रखा है हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे, तो जरूर जाके उसको भी आप लोग रेफर करें। स्ट्रॉन्ग एरियाज पे कितना टाइम दे, वीक एरियाज पे कितना टाइम दे, कैसे 5 सेक्शंस में हम पढ़ाई कर सकते हैं, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू ऑल देयर, तो जरूर रेफर करें। अपने लिए कुछ ऐसे गोल्स रखो जो आप अचीव भी कर सको। अगर आपने बोला कि हाँ मैं तो 2 दिन में पूरी बायोकेमिस्ट्री रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी, नॉट पॉसिबल, शुरुआत में एटलीस्ट, बाद में शायद कर लो, ऐसे अनएक्सपेक्टेड गोल्स ना रखें। पर अगर आपने ये सोचा कि ठीक है आज के दिन में कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स 2 टॉपिक, नेक्स्ट डे न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स 2 टॉपिक, ये अचीवेबल गोल्स है, ट्रस्ट मी, जब आप अपना गोल अचीव करते हो तो आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एंड ये आपको और मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। बट अगर आपके गोल्स अनफिनिश रह जाते हैं तो आप फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। तो हमेशा गोल्स अपने लिए ऐसे रखो कि उसको आप अचीव कर सको, और वो अचीव करने के बाद आपको जो हैप्पीनेस मिलेगा ना,
ट्रस्ट मी दैट विल बी योर ओन मोटिवेशन. फिर आपको किसी और की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मोटिवेटेड फील करोगे, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड यू विल स्टडी मोर एंड मोर एंड मोर. तो याद रखना है, अपने लिए एक ऐसा प्लान बनाए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखो. बायोकेमिस्ट्री को आप 10 सेक्शंस में डिवाइड कर दो, 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लो. कैसे डिवाइड करें बायोकेमिस्ट्री को, समझ नहीं आ रही है कैसे पढ़ना है, तो याद रखना है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री की सारी लेक्चर्स आप लोगों के लिए फिलहाल हम लोग ने फ्री कर दिया है. बायोकेमिस्ट्री पूरा ए टू जेड, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, द एंटायर मेटाबॉलिज्म, ऑल द थर्मोडायनामिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री कर दी गई है. तो विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, विच इज ifasonline.com. इस वेबसाइट पर जाके बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं आपको सारे लेक्चर्स. तो ज़रूर रेफर करें सारे टॉपिक्स को, उनके सारे पहले तो अच्छे से टॉपिक को पढ़ लो, वीडियोज देख के समझना है, दो बार देखो, कोई कोई बड़ी बात नहीं. बायोकेमिस्ट्री को अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी 4 बार पढ़ते हैं तब जाके समझ में आता है. उसके सारे PDF रेफर करो, नोट्स बना लो, नोट्स आपको बिल्कुल बने बनाए मिल रहे हैं, उसको अच्छे से नोट करके रख लो. आपको DPP मिल रही है, DPPs को आप सॉल्व करें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो आज मैंने 3 लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिए हैं, 4 लेक्चर में मैंने पूरा लिपिड्स कंप्लीट कर लिया है. तो यू विल हैव दैट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन मोर. तो बिल्कुल आप यहाँ के लेक्चर्स को रेफर करके अपनी पूरी बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हो, एंड ऐसे ही धीरे धीरे आप एक एक यूनिट को टारगेट करके अपने गोल तक बिल्कुल पहुंच सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आते हैं, एक तो रीजन होता है कि पढ़ाई नहीं हुई है. अगर पढ़ाई हुई है फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं तो रीजन क्या होगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थोड़ी वीक है. शॉर्टकट टेक्निक्स को सीखें, लर्न एंड प्रैक्टिस शॉर्टकट टेक्निक्स, PYQs रेफर करें. ठीक है, हमारी भी एक बुक अवेलेबल है जिसमें आपको बिल्कुल 20 साल के सारे PYQs मिल जाएंगे इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉर्टेड मैनर में सारे क्वेश्चंस है, सारा एनालिसिस है, आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ अवेलेबल है. तो जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या पैटर्न होता है, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, कैसे मुझे और वर्क करके इसमें और बेटर स्कोर लाना है. तो PYQs को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप हो सके. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर हमको थियोरी पेपर लिखना होता है, जहां पे शायद कुछ चीज समझ में ना आए तो आप लर्न करके रट्टा मार के लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपको हर कंसेप्ट समझना होगा. अगर आप कंसेप्ट को लेके बिल्कुल क्लियर हो तो ही आप उस रिलेटेड PYQ सॉल्व कर पाओगे. इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाना पॉसिबल ही नहीं है. तो आपको अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं. जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हो, मटेरियल रेफर कर रहे हो, अगर आप किसी क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप वहां पे अपने सारे बेसिक्स को क्लियर कर ले. हमारे लाइव सेशंस में बिल्कुल इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें बच्चा अपने सारे डाउट्स हमसे कम्युनिकेट करता है 1-to-1. रिकॉर्डेड कोर्स में भी आपको मिलता है डाउट सेशन जिसमें आप टीचर्स के साथ अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो याद रखना है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है. यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, इतनी प्रैक्टिस करो कि जब आप एक सवाल को पढ़ना स्टार्ट करो, सवाल के लास्ट वर्ड आने के पहले ही आपको समझ में आए कि मुझे यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज करना है, ऑप्शंस तक जाने की जरूरत ही ना पड़े. और ये तब डेवलप होगा जब आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं अचीव हो पाएगा. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप ग्राफ देख के समझ पाओगे कि अच्छा ये ग्राफ है, मतलब मुझे ये वाला टेक्निक या फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करना है. क्या सोचना है, कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, अनकॉम्पिटिटिव है, कहाँ पे KM कॉन्स्टेंट है, कहाँ पे Vmax कॉन्स्टेंट है, ये सब आप बायोकेमिस्ट्री लेक्चर से सीख सकते हो. एंड ट्रस्ट मी सारे ग्राफ के क्वेश्चन आप यूं सॉल्व कर लोगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और आपने वैसे क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी. प्रैक्टिस के लिए डेली क्वेश्चन आपको हमारी ऐप में भी मिल रहे हैं. फिलहाल चल रहा है 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज जिसमें आपको डेली बढ़िया क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो जाके उनको भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है. सीक हेल्प, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए है, आप सारी प्रिपरेशन खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो बिल्कुल आप कोचिंग क्लासेस, गाइडेंस, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो. हमारे भी न्यू बैचेस जस्ट स्टार्ट हुए हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन. तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार हमसे नहीं बन पा रहा है, हमें किसी की हेल्प चाहिए है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है,
इन दैट केस डेफिनेटली आप लोग हेल्प ले सकते हो और आप मेंटोर्स के गाइडेंस सपोर्ट लेके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेंड सर्कल अच्छा बना लो, साथ में पढ़ाई करो, आपस में डाउट सॉल्व करो एंड यू विल गिव योर बेस्ट। तो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। ओके, अगर अपने आप को यहाँ पे बहुत जल्द देखना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल अभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, इफ यू आर टारगेटिंग IIT जाम और GATP, तो याद रखना है बच्चों, लाइव कोर्स हमारा जस्ट 20th August से स्टार्ट हुआ है। फिलहाल आपको मिल रहा है एट अ वेरी मिनिमल प्राइस, सिर्फ आपको 3999 में हमारा पूरा लाइव कोर्स मिल रहा है, 2999 में हमारा पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है। 31st August के बाद प्राइस हाइक हो जाएगा, तो इतना कम प्राइस तो मुझे लगता नहीं है कि आपको और आगे कभी मिलेगा। तो याद रखना है, यू हैव टू यूज द कूपन कोड इंडिया। 6 दिन बचे हैं, बहुत कम टाइम बचा है फॉर दिस, सो जरूर जाके इन चीज़ों को जल्दी से एक्सेस करें। ओके, एंड बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है हमारी ऐप में, तो विजिट दी वेबसाइट ifasonline.com और वहां जाके आप सारे कंटेंट को देखिए, पढ़ाई कर लीजिए। बायोकेमिस्ट्री पूरी लेक्चर सीरीज बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल है, अभी स्टार्ट करोगे तो शायद कंप्लीट कर पाओगे। ओके, फिर हटा दिया जाएगा लेक्चर, फिर दोबारा आई डोंट नो कब आएगा आप लोग के लिए फ्री, तो जरूर जाके पढ़ें, फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करें, सब साथ में बायोकेमिस्ट्री यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप द इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू एवरी वन। डू शेयर दिस लिंक जिसको भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।